हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास सिक्स हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में है आपके चैप्टर नंबर 4 शब्द भंडार। क्या है? शब्दों का भंडार। इसमें आपके सभी प्रकार के शब्दों के बारे में पढ़ाया गया है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं किसी भी भाषा को बनाने से पहले सबसे पहले वर्णों का ज्ञान, उसके बाद में दो से अधिक वर्णों को मिलाकर बनने वाले शब्द, यानी कि उन शब्दों का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। और शब्द वे होते हैं जो शब्द जिन ध्वनि का कोई अर्थ होता है वह क्या कहलाते हैं? शब्द। क्या कहलाते हैं? शब्द। और शब्द भाषा के प्राण होते हैं। जो शब्द जो है क्या होता है? भाषा का, किसी भी भाषा का प्राण होते हैं। शब्दों के अभाव में भाषा की कल्पना भी नहीं की जा सकती, यानी कि अगर शब्द ही नहीं होंगे तो भाषा की कल्पना भी नहीं की जा सकेगी। ठीक है, नहीं की जा सकती। हिंदी भाषा का अपना शक्तिशाली शब्द भंडार और प्रभावशाली साहित्य है। जो हिंदी भाषा जो है इसका जो शब्द भंडार है वो बहुत ही शक्तिशाली है। जिस भाषा के पास जितना अधिक समृद्धशाली शब्दकोश होता है वह भाषा और उस भाषा का साहित्य उतना ही अधिक समृद्ध एवं प्रभावशाली होता है। इस अध्याय में विभिन्न प्रकार के शब्दों का संकलन किया गया है। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर सभी प्रकार के शब्दों का संकलन किया गया है, जिसमें है आपके सबसे पहले तत्सम एवं तद्भव शब्द। क्या है? तत्सम एवं तद्भव शब्द, जो कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। वे शब्द जो संस्कृत भाषा के जो शब्द हिंदी में अपना वास्तविक रूप में प्रयुक्त होते हैं, यानी कि वे ज्यों की त्यों लिए गए हैं, जो संस्कृत भाषा के हैं और संस्कृत भाषा के हैं और हिंदी में अपना वास्तविक रूप में ही प्रयुक्त किए गए, यानी कि जैसे थे वैसे के वैसे हमने हिंदी भाषा में लिए गए। वे तत्सम क्या कहलाते? तत्सम, ये हमने पहले भी पढ़ा था। एवं तद्भव, जिनका बदला हुआ रूप क्या है? जिनका बदला हुआ रूप हिंदी में प्रयोग किया जाता है वे है तद्भव शब्द होते हैं। क्या होते हैं? तद्भव शब्द, यानी कि संस्कृत भाषा के शब्दों के बदले हुए रूप को तद्भव शब्द कहते हैं। हमने पहले भी पढ़ा था, उन्हीं शब्दों को यहाँ पे विस्तृत रूप दिया गया, यानी कि उनको और अधिक आप बताया गया है यहाँ पे। जैसे कि तत्सम शब्द यहाँ पे दे रखे हैं और उनके तद्भव दे रखे हैं। ये शब्द तत्सम है जो संस्कृत के हैं और जो ज्यों के त्यों लिए गए हैं। जैसे कि अंगुली, उंगली, आश्रय, आसरा, अस्थि, हड्डी, अग्र, आगे, आश्चर्य, अचरज, उत्साह, उत्साह। तो यहाँ पे सब जो है तत्सम और तद्भव शब्द दे रखे हैं, तो यह सब आपको याद करने हैं। ठीक है, तत्सम शब्द और तत्सम और तद्भव शब्द दोनों ही यहाँ पे पीछे भी आपके दे रखे हैं। योगी, जोगी, पक्षी, पंछी, पुत्र, पूत, पक्व, पक्का, श्वसुर, ससुर, स्वर, सुर, स्वप्न, सपना, होलिका, होली। तो यह सब तत्सम और तद्भव शब्द आपको यहाँ से पढ़कर याद करने। ठीक है, उसके बाद में है आपके शब्द भंडार में अगले हैं आपके पर्यायवाची शब्द। क्या है? पर्यायवाची शब्द। यहाँ पे उदाहरण भी दे रखा है कि भाई भगवान शंकर को महादेव, नीलकंठ, त्रिनेत्री और शिव भी कहा जाता है। तो यहाँ पे यह क्या है? शंकर के पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे कि महादेव, नीलकंठ, त्रिनेत्री और शिव, यह सब क्या है? शंकर के ही नाम है। तो यह क्या है? पर्यायवाची शब्द। यहाँ पे परिभाषा दे रखी है, समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द भी कहते हैं, जो समान अर्थ बताते हैं। ठीक है, उनको क्या कहा जाता है?
समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द। यहाँ पे उदाहरण दे रखे हैं, जैसे कि शब्द है अनुचर, दास, भृत्य, सेवक, नौकर, किंकर। असुर का भी दे रखा है, जैसे कि दानव, दनुज, दैत्य, राक्षस, निशाचर। अहंकार के पर्यायवाची है यहाँ पे मद, घमंड, दर्प, अभिमान, आनंद, खुशी, हर्ष, उल्लास, प्रसन्नता, खुशी, आमोद, अग्नि। ये सब अग्नि के ही नाम है, यहाँ पे अनल, आग, ये सब अग्नि के नाम है। यहाँ पे और भी आपके पर्यायवाची शब्द दे रखे हैं, अमृत के हैं, अलंकार के हैं, अंधकार के हैं, आम, उद्यान, उन्नति। तो ये सब आपको पर्यायवाची शब्द याद करने, आपने पहले भी पर्यायवाची शब्द पढ़ रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपके पर्यायवाची शब्द है। अब है आपके विलोम शब्द। वे शब्द जो एक दूसरे का विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं, यानी कि वे शब्द जो उल्टे अर्थ बताते हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं? विपरीतार्थक शब्द, यानी कि उल्टा अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे परिभाषा भी दे रखी है, किसी शब्द का उल्टा अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि आस्तिक, नास्तिक, आस्तिक का उल्टा नास्तिक, पुष्ट, अपुष्ट, आदि, अंत, अपना, पराया, इहलोक, परलोक, इष्ट, अनिष्ट। यहाँ पे भी काला, गोरा, प्रख्यात, अविख्यात। तो यहाँ पे सारा जो है विलोम शब्द आपके दिए हुए हैं, तो ये अभी आपको पढ़ने हैं और याद करने हैं, ठीक है। तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, विलोम। अब है उसके बाद में आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी कि शब्द समूह के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द का व्यवहार जो यहाँ पे बताया गया है, उदाहरण भी दे रखा है, जैसे कि कर्तधन शब्द को लेकर एक उदाहरण दे रखा है, हम किसी को लाख कहते रहे कि आप किसी के उपकार को नहीं मानते हैं, तो वह आदमी उतना ही तिल मिला जाएगा जितना यह सुनकर कि आप कर्तधन है या आप जैसा कर्तधन नहीं देखा। यहाँ पे कर्तधन का अर्थ है कि किसी के उपकार को न मानना, ये पूरा वाक्य है, किसी के उपकार को न मानने वाला, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं? कर्तधन। क्या कहते हैं? कर्तधन, यानी कि वह जो किसी के उपकार को न मानता। तो यह ऐसे पूरा वाक्य न कहकर सिर्फ कर्तधन कहा जा सकता है। यहाँ पर उदाहरण दे रखे हैं, अनेक शब्द है और इनका एक शब्द दे रखा है, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी पूरा वाक्य है और उसके लिए एक शब्द। जैसे कि जो नया आया हुआ हो, नवागत, पूरा वाक्य न लिखकर सिर्फ नवागत भी लिखा जा सकता है। जो भू के गर्भ का हाल जानता हो, खाने की इच्छा, भूगर्भ वेता, जो भू के गर्भ का हाल जानता हो, ठीक है, खाने की इच्छा, भू भिक्षा, जो देख नहीं पाता, अंधा, उष्मा से उत्पन्न होने वाला, उष्मज, शक्ति का उपासक या शक्ति से संबंध, तो इसका एक शब्द होगा शाक्त। तो यहाँ पर अनेक शब्द दे रखे हैं और उनके एक शब्द भी दे रखे हैं, यह सब भी आपको पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद में है आपके समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो ध्वनि एवं वर्तनी की दृष्टि से बहुत कुछ समान होते हैं, यानी कि सुनने में और बोलने में जो है एक जैसे होते हैं, लेकिन उनका अर्थ जो है
बिल्कुल विपरीत होता है, उल्टा मतलब अलग ही होता है। अर्थ की दृष्टि से बिल्कुल भिन्न होते हैं, यानी कि बिल्कुल अलग होते हैं अर्थ की दृष्टि से। वह बोलने में एक जैसे लगते हैं, वे शब्द और सुनने में भी एक जैसे लगते हैं। इन्हें समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द। यहाँ पे आपके उदाहरण दे रखे हैं, अविराम और अभिराम। अविराम का अर्थ होता है लगातार और अभिराम का अर्थ होता है सुंदर। अंश और अंश, हिस्सा और कंधा। अगम आगम, अगम का अर्थ होता है दुर्लभ और आगम का अर्थ होता है प्राप्ति। अन्य, अन्न का अनाज, अन्य का दूसरा। तो यहाँ पे जो शब्द जो है जैसे अन्य, तो यानी कि सुनने में या बोलने में लगभग कुछ कुछ समान लगते हैं, लेकिन यह इनका जो अर्थ जो है बिल्कुल भिन्न है। जैसे कि यहाँ पे अभय उभय, तो यानी कि अभय उभय, यानी कि बोलने में कुछ कुछ एक जैसे लगते हैं समान, लेकिन यह इनका जो अर्थ बिल्कुल अलग है। अभय का अर्थ है निडर, उभय का दोनों। तो यहाँ पे ऐसे बहुत से आपके उदाहरण दे रखे हैं जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद में अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द से अभिप्राय किसी शब्द के अनेक अर्थ होना, यानी कि किसी एक शब्द के बहुत से अर्थ होना। हिंदी में ऐसे अनेक शब्द हैं जिनके अनेक एकाधी अर्थ होते हैं। इनका प्रयोग संदर्भ के अनुसार होता है, यानी कि संदर्भ बदलने पर ये अलग अलग अर्थ देते हैं, ठीक है। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले कुछ अनेकार्थी शब्द यहाँ पे दिए गए हैं। अंचल, अज, अकंती। तो यहाँ पे अंचल का देखो, जैसे कि चादर का सिरा, साड़ी का सिरा, सीमा के पास का प्रदेश यानी कि किनारा, पल्ला भी बोलते हैं और तट भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? अनेकार्थी शब्द, शब्द किसी शब्द के अनेक अर्थ होना, यानी कि एक शब्द है लेकिन इसके अर्थ जो है अनेक है। अज, यहाँ पे अज दे रखा है, अज चंद्रमा, कामदेव, बकरा, मेष राशि, जीवात्मा और दशरथ के पिता का नाम भी जो है अज है। क्या है? अज। जिसका जन्म न हुआ हो, ईश्वर, ब्रह्मा। तो यहाँ पे और भी आपके उदाहरण दे रखे हैं जो आपको अनेकार्थी शब्द और उनके अर्थ जो है याद करने, एक शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं, ठीक है, किसी एक शब्द के अनेक अर्थ। तो यह आपके चैप्टर शब्द भंडार जो है पूरा हो गया। इसमें आपके तत्सम शब्द, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, विलोम और वाक्यांश के लिए एक शब्द, और समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द और अनेकार्थी शब्द जो है आपको याद करने हैं, ठीक है। इसका अभ्यास प्रश्न जो है हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू बच्चों।